नाइन क्लास क्लास फिफ्थ, सो टुडे आई विल स्टार्ट योर न्यू चैप्टर चैप्टर इलेवन, एयर वाटर एंड सपोर्ट लाइफ इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे एयर हवा के बारे में वाटर पानी के बारे में सपोर्ट लाइफ और जो भी चीज़ें हमारे जीवन को सपोर्ट करती हैं जीने के लिए उन सब के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे देखिए सो लेट्स स्टार्ट योर एयर एयर एंड द एटमोसफेयर हवा और वातावरण देखिए बेटा यहाँ पे आपको एक चीज़ ऐसी ड्रॉ करनी है जो आप हवा के लिए यूज़ करते हो और एक चीज़ ऐसी जो पानी के लिए जैसे हवा के लिए हम लोग फ़ैन यूज़ करते हैं और पानी के लिए हम लोग हैंडपम्प यूज़ करते हैं तो वो आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है एयर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स एक नेचुरल रिस्रोथ है हवा देयर इज़ एन एनवलप एक एनवलप एक लिफाफा होता है हवा का अर्थ पर चारों ओर दिस लेयर ऑफ एयर ये जो लेयर होती है हवा की इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं इसमें गैसेस का मिक्सचर होता है द एटमॉस्फेयर इस थिकर एटमॉस्फेयर वातावरण हमेशा मोटा होता है हैवी होता है ग्राउंड पर इट गेट्स थिनर ये पतला भी हो जाता है लाइटर भी हो जाता है जब तक ये एंड तक आता है देखिए आफ्टर द एटमोसफेयर एंड जब एटमोसफेयर का अंत हो जाता है स्पेस बिगिन तो स्पेस शुरू हो जाता है देखिए बेटा ये है लेयर्स हैं एटमोसफेयर की जो फर्स्ट लेयर होती है दैट इज ट्रोफोस्फेयर सेकेंड लेयर इज इस फ्रेटोस्फेयर इसे ओजोन लेयर भी बोलते हैं नेक्स्ट लेयर इज मीजोस्फेयर नेक्स्ट इज थर्मल स्फेयर एंड द लास्ट इज एक्सोस्फेयर एक्सोस्फेयर बाहर का एरिया और ये कुछ इनमें किलोमीटर्स पर बना होता है ठीक है सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक इज लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर यानी हम इसमें जानेंगे ये इस सारी लेयर्स जो होती हैं इनके बारे में द एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू फाइव लेयर्स पाँच लेयर्स में डिवाइड होता है फर्स्ट इज ट्रोफोस्फेयर सेटोस्फेयर मीजोसफेयर एग्जो थर्मोस्फेयर एग्जोस्फेयर थ्रोफोस्फेयर ट्रोफोसफेयर सबसे पास की लेयर होती है अर्थ के इस कंसिस्ट ऑफ गैसेस ये गैसेस से बनी होती है जो हम सांस लेते हैं ऑल द वेदर सारा वेदर चेंज हो जाता है इस लेयर में इसफ्रेट्रोस्फेयर इट्रेसोसफेयर जेट एयर फोर्ट जो जेट एयर फोर्ट एयरक्राफ्ट फो, होते हैं वो फ्लाई करते हैं इस लेयर में बिकॉज देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता बिकॉज ऑफ वेदर मौसम की वजह से इस कंटेन्स ओजोन लेयर इसमें ओजोन लेयर होती है ओजोन एब्जर्व द हार्मफुल अनवाड रेस uh, जो अन वलेंड रेस जो होती है सन की उससे बचाती है ओजोन लेयर हमें मीजोस्फेयर मीजोराइड meso या पीस ऑफ रॉक जो होता है वो बर्न हो जाता है इस लेयर में बिकॉज हैंड्स डू नॉट और कभी पृथ्वी पर नहीं आता थर्मोस्फेयर स्पेस शटर ऑर्बिट इन दिस लेयर इसमें ये वो लेयर है जहाँ से जो ऑर्बिट्स होते हैं कक्ष होते हैं वो बंद हो रहे होते हैं एक्जोस्फेयर इट कंटेंस लास्ट अमाउंट ऑफ एयर इसमें सबसे कम हवा होती है बियॉन्ड दिस लेयर इस लेयर के अलावा द एटमोस्फेयर मर्ज इंटू द आउटर स्पेयर इस लेयर के अलावा बाकी का सारा एरिया सब आउटर स्पेस में बदल जाता है सो थैंक यू क्लास इन अनदर रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू ऑल ऑफ यू